जय हनुमान गुण सागर लाज जाँदैछु म दार्जिलिङ अलिकति काम परेर है त दिन चाहिँ कस्तो हुन्छ हौ ए लायो कि स्कुल टावरी उकालो भेट्यो हुन्छ फेरि देख्यो मलाई छोड्दै गएर यस्तो छोडिदिन्छ अन्त मलाई स्टुडेन्टको चलापला छ नि यहाँनिर अब अलिक माथि दिन चाहिँ भेट्दैन होला हामीले बेमान है बड़ा आज मौसम आने वाला कोई तूफान है बड़ा तूफान है आने वाला अलिकति क्यामरा ल्याएँ कि त्यो मैले छोडेँ नि बाइक फेरि अगाडि गाडी अगाडि भयो अलिक माथि साह्रो छ ओके ठिक छ क्या ल हेर्नु साथीको दृश्य हो यस्तो अप्ठ्यारोमा दिन्छौ म चाहिँ अर्ली इन द मर्निङ हिँड्छु क्या आजको ब्लग चाहिँ दार्जिलिङ हुनेछ तो आप लोग देख रहे देखिए ये चैनल मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी वाला आज देखिए हम आज का मौसम तो बहुत सुहाना है आज का मौसम बहुत सुहाना है गाइस देखिए देखिए नीचे गोराबारी वाओ और ये देखिए शिव मंदिर वाओ देखिए जा रहा है कॉलेज देखिए ना वाह गाड़ी का पूरा काम लेगा मुझे ये देखिए सुना था इनका आया था तो गाड़ी का आज देखिए बहुत सारे टी गार्डन के सराउंडिंग में बैठा हुआ है सोनादा बाजार बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बाजार है देखिए सोनादा देखिए सब्जी मंडी सब्जी दुकान इधर उधर और ये ऊपर से सोनादा पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस जब भी आप लोग ऐसा ये लीक क्या बोलते हैं लीक क्रॉस करते हो ना इसको क्रॉस करके क्रॉस करना है क्रॉस करके क्रॉस तो हम लोग पहुँच चुके हैं सोनादा अच्छी स्टेशन मैं निकल सकता हूँ कभी कभी बड़ा बाबू होता है ना उधर कभी कभी बड़ा बाबू उधर मार देता है फिर पकड़ते हैं ना भन्न हम साथी र ओएमजी वाओ अस्ति मैले बिफोर दिस ब्लग मैले बात किया त थार के ऊपर थार डिजल इन्जिन भी है पेट्रोल इन्जिन भी है वाओ क्या मस्त है ना डिजल इन्जिन भी है पेट्रोल इन्जिन भी है देखिए ये है सुंदर 17 तारिखसम्म होला हामी आउन सक्छ है बिल्कुल होइन पूजा चाहिँ के हो पूजा चाहिँ यो छामको हो यो गुरुरी मूर्छेको पूजा ए हुन्छ आप लोग आ सकता है मस्त है अभी यार अभी बाद में लूँगा इसका शर्ट वाह ओ गुरु टेम्पल जाकर पूजा हो रहा है यार मैं जाऊँगा बाद में वो मोनास्ट्री पे गुम्पा पे ये देखिए जो भी है इंडियन भाई लोग देख रहे हो ना आप लोग आ सकते हो गाड़ी में बाइक में आओ यार बाइक भी मस्त होगा और मोटर ब्लॉक भी हो जाएगा आपका तो देखिए दार्जिलिंग का खूबसूरत का नज़ारा आज दिखा दूँ आप लोगों को ऐसे दिखा रहा है बहुत सारे यूट्यूबर दिखाया है ना आज मैं दिखाता हूँ मेरे स्टाइल में
आप लोगों को भी करना चाहिए, अपना शरीर पे क्या क्या हो रहा है। बढ़ती उम्र के साथ साथ हम लोगों को मेडिकल चेकअप भी करवाना चाहिए। तो आज जा रहा हम लोग प्री मेडिकल बोलता है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, क्या क्या देखता हूँ, क्या है उसका नज़ारा। बात नहीं है, ये दार्जिलिंग है। हाँ मतरा भाई, तो अभी हम लोग पहुंच चुका है सीधा लाइन, क्या बोलते हैं इसके चोरखोला भी बोलता है। हम सोनी देओल के स्टाइल में ब्लॉग करें आज से। सबसे अच्छा आइडिया ये है, अपने आप गाना गाओ जल्दी हो, क्योंकि कॉपीराइट का बहुत प्रॉब्लम है ना अभी। तेरे बिना मैं हुए ना गुजारा, छटके में जाना मैं तू ही है सहारा, काटू कैसे लाता ओ साबरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे, किराता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरी संगिया संगिया रे। दिखाता बोलता लेकिन क्वांटिटी नहीं है। घूमे संग मेरो एकलो जान मना सामा फेरी आयो तिमी को याद साई झर्यो मुटु भरी पुना भयो। सब्सक्राइब मार दो, बटन दबाओ, ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। जल्दी जल्दी से बटन दबाओ, अरे बटन ही नहीं दबाते यार आप लोग, यार क्या यार यार, अरे सनी देओल के नाम में बटन दबा दे यार, तब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप लोगों को मिठाई खिलाऊंगा। और ये देखिए ब्यूटीफुल हाउस से होइन रहेछ, दिस इज नट हाउस, दिस इज होम स्टे। आज चाहिँ बिस्तारै खिच्नु, ये देखिए ऐसा चिज भी है हमारे दार्जिलिङ में, ये देखिए मस्त भ्यू, और पीछे से हरन मार रहा है। ओ एम जी, जाओ जाओ आप जाओ भेज, आप ऐसे भी कर सकते हो, आगे जा सकते हो, लेकिन थोड़ा कभी कभी बड़ा बाबू बैठता है ना वो पकड़ लेता है, तो थोड़ा केयरफुल्ली मैं जा सकता था आगे। तो इधर से ऊपर से टाइगर टाइगर हिल भी जाते हैं, लेकिन टाइगर हिल पर दिखाऊंगा नज़ारा। और इधर से जाते हैं गैंगटोक कालिम्पोंग सिक्किम, हाँ सिक्किम और गैंगटोक एक ही है ना, इधर से जाता है लाइन देखिए। जलने वाला जलता रहेगा 4204 चलते रहेगा, वाह। जलने वाला जलता रहेगा 4204 चलता रहेगा, क्या मस्त डायलॉग है यार। इसका मतलब क्या है पता है, पीछे मुड़ के मत देखो, चलते रहो आगे, क्योंकि इधर खुट्टा तानने वाला बहुत आदमी लोग रहता है ना, तो जलने वाला जलता रहेगा आगे बढ़ते। ये बहुत मोटिवेट मिला मेरे को यार ये डायलॉग ने, तो देखा क्या आप लोगों ने, कैमरे में आया कि नहीं आया रहेगा ना, फिर भी लुक्स दिखाता हूँ, मस्त डायलॉग दिया यार, बहुत खतरनाक मोटिवेट दिया हमारे इसने मेरे को।
घुम्ने सँग मेरो एक्लो जान मनसम फेरि आयो। देखिए बहुत प्राउड है आज। अरे हम लोग पहुंच गए आगू हुन्छ। मैं तो वो पुलिस ने क्या बोला पता है? जा आराम से जाओ, आराम से जाओ, कल भी एक्सीडेंट हुआ है। इसमें स्पीड तो नहीं भगाता हूँ, बनाता हूँ तो थोड़ा बहुत घर दिखा करना पड़ेगा ना। ऐसा स्पीड तो नहीं भगाता हूँ मैं, ड्राइव इतना खतरनाक भी नहीं है, इसलिए मेरे पीछे कोई बैठता ही नहीं, आराम से चलाता हूँ ना बिना टेंशन का। आम्मा हेप्पी हो, प्रो राइडर रहेछ नि मलाई नहेरी, तर म स्पिड थिइनँ नि त। स्पेसल बाइक रेन जन जङ्गल दिख रहा है ना, देखेंगे हम भी कैसा दिख रहा है। हाँ मस्त दिख रहा है, दिख रहा मस्त। आज दिख गया अंजन जंगल भी कंचनजंगा भ्यू थी क्या आज? दिखा कि नहीं आप लोगों को? दिखा रहेगा, नहीं दिखाए तो जाके देखो उधर ही। अरे चलने वाला ये क्या, ये गाड़ी देवा बार बार आता रहता है हाँ? ये गाड़ी बार बार आता रहता है, मैंने इसको क्रॉस ही नहीं किया। वाह बार बार देखो मन लग जाता है यार। देखा दार्जिलिंग और दिन ट्रेन, इसके बोलते हैं स्टीम ट्रेन, आप इसमें घूम भी जा सकते हो। इसका क्या आप क्या बोलते हैं आपको जॉय यार, ये क्या है भाई बड़ा बड़ा डब्बा जैसा? अरे सनी भाई, सनी पाजी, ये वो है रे ट्रेन है रे, जिसने ब्रिटिश ने हम लोगों को गिफ्ट दे के गया है। अभी इसका क्या बात करता है अंदर, आप रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हो डब्बे के अंदर। सनी पाजी बहुत खूबसूरत लगा मेरे को पहाड़, आप लोग भी आइयो, एक घंटे में मैं बहुत बार गिरा हूँ। अरे देखिए हम लोग तो इधर से ऊपर जाना पड़ेगा, तो ओहो गलती हो गया यार। ऊपर से जाना था ना या मेरे तो ये छैन त हौ, मजाक मजाक में दार्जिलिंग मेरे को पार्किंग करना है ऊपर।
आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा इधर, क्या अवेलेबल मिलेगा आपको इधर? क्या सनीबाजी क्या बोलता है तू? क्या सनीबाजी क्या बोलता है? बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, अब हमको इधर पार्क करना है क्या? ओके गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ दार्जिलिंग और मैंने पार्क कर लिया है। तपाईँ चेन्ज छ भने साइज दिन्छु ल, हुन्छ होइन? हुन्छ, खुलै छ। वर्षका 20 रुपियाँ लिएको हो। मध्यको मै जा रहा हूँ ओरियन रस्ती से, हस्पिटल के तरफ जाऊँगा मैं। और ये देखिए शॉप, क्योंकि सुबह सुबह था ना तो सब लोग अपना अपना शॉप लगा रहा है। देखिए कितना मस्त फ्लावर बेसिन भी ले रखा हुआ है और सब लोग गप्पे मार रहा है, और कोई अपना दुकान लगा रहा है। देखिए मस्त है, नीचे अरे सीधा नीचे चला जाओगे तो आप नीचे बाजार की तरफ, रास्ते की तरफ निकलोगे आप। ये देखिए शॉप, शॉप आपको मस्त मस्त कपड़े और कुछ शॉप तो खाली भी है, कुछ शॉप में कस्टमर भी भरा हुआ है। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल की तरफ। देखिए सब कलेक्शन इधर मिल जाएगा। कोई बिछा रहा है किसी का, कोई तो बेच भी रहा है। ओके गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ नीचे मेन रास्ते की तरफ, तो मेरे को जाना का हॉस्पिटल। ओके देखो ये हॉस्पिटल का रास्ता है, आप सीधा जाओगे तो ऊपर हॉस्पिटल मिलेगा। और ये देखिए इधर भी शॉप वगैरह है, थोड़ा भीड़ रहता है इधर। ओके गाइस, मेरा सब कुछ काम ख़त्म होने के बाद में मैं ये रास्ता दिखाने वाला हूँ। सीधा ये रास्ता नीचे बाज़ार से ऊपर है, और इसके ऊपर से आएगा तो आप लोग सब ऊपर सीधा चौरास्ता में लिंक हो जाओगे, लिंक ही चौरास्ता पहुँच जाओगे। देखो कितना मस्त, फिर भी आज बहुत कम क्राउड है, देखिए भीड़ कैसा है। यदि आप दार्जिलिंग आ रहा है तो चौरास्ता नहीं आना तो फिर बनता ही नहीं है ना। देखिए थोड़ा मेरा काम सब कुछ ख़त्म करके थोड़ा चौरास्ता का आनंद लेने के लिए आया हूँ। देखिए भानु जयंती भी मस्त तरीके से मनाया गया था, तो मैं तो नहीं आया क्योंकि मैं बहुत बारिश था उस दिन। आम पत्रा होते तो हिंदी है, हिंदी ब्लॉग था, उस दिन बारिश था इसलिए मैं नहीं आया। देखो मस्त व्यू है ना, एकदम खुला, क्योंकि मैं नहीं आया बारिश था। यहाँ हो चिया, तर तब यहाँ से अब चिया यता मिठो कफी मिठो चियाहरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न रहेछ अहिले चाहिँ, फिलहाल चाहिँ चौरास्तामा चाहिँ क्लिन निट एन्ड क्लिन भएछ। आपको बहुत कष्ट गर्नु पड़ेगा चेयर ढुन्ने के लिए। मैं जा रहा हूँ नीचे, हालत खराब हो गया है मेरा, मेरे को पता ही नहीं था यार प्री मेडिकल में इतना लंबा इतना बड़ा क्या बोलता है ब्लड निकालेगा यार। देखिए ना इतना बड़ा छेद कर दिया यार, इतना बड़ा छेद कर दिया। उफ। जब दार्जिलिंग आ ही गया है तो ये जगह मत मिस मत करना, देखिए और रिलैक्स में मिलेगा आपको इधर आके, मस्त रिलैक्स होगा। देखो पर देखिए मस्त जगह है क्या इसको क्या, तो जब भी आप दार्जिलिंग आओगे तो ये जगह मिस मत करना। बहुत ही खुला आसमान और पूरा टूरिस्टों से भरा हुआ जगह है,
आप लोग आइए और इन्जॉय किए भानुभक्त जी को मिलिए। बहुत खून निकाल दिया यार, इतना भूख में था फिर भी इतना खून निकाल दिया उसने एक दो तीन केस के लिए। देखिए ना, ब्लड ही ब्लड हो गया यार। भयो जिंदगी मा हसो मुटु हसो खामा छुपोस पनि रहर भने थियो यो अन्तर तेरो हाथ समत्नु मनको लागो सपना तर यो जीवन सुत्यो बीच प्रेमको मात्र साथीलाई किन छोडी गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगले वीडियो में मिलेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखते देखते बोरिंग हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।